Class we'll focus on the Faraday's law for gaseous electrolytic products, and over here we'll see that the equation which we have discussed in the Faraday's first law, this equation, I think it's clear with you. The way that was the amount of substance deposited at the electrode was deposited on the electrode was there. Z was, if you remember, the electrochemical equivalent was there. Q is quantity of electricity passed. So I think this is clear to you. Now I is the current by the current of strength in amperes, and T was a time in seconds. So this can be represented, you know, that this thing Q is written as I into T. So you can write down in place of Q I into T. This formula, you get it. Now suppose, because I have discussed the numerical, and in that numericals we have seen that this formula we are using. So this equation is used when you are calculating the mass of the solid substances that is dissolved or deposited at the electrodes. So this formula is being required. जब आप solid condition use करेंगे substance की, ठीक है, और कितना electrode deposit हुए तब आप ये use करेंगे. Suppose करो आप you are using for the gaseous condition. अगर gas की condition आपको given है तब आप इस तरह से use करेंगे formula, जो जल्दी में आता नहीं है. V is the volume of gas evolves at STP at an electrode, and this is this thing your VE equivalent volume, that is equal to volume of the gas evolved at an electrode at STP by 1 Faraday's charge. So this thing you have to focus. Again I am telling you this for gases. I am making the video, that's why I am making it, but numerical will not come from this portion. From the above the numerical will be asked. So now we'll focus on the Faraday's second law of electrolysis. Now according to second law of Faraday's of electrolysis, it states that the amount of different substances liberates by the same quantity of electricity are proportional to their equivalent weights. ठीक है, कितना अमाउंट डिफरेंट आप अलग अलग सब्सटेंसेस ले रहे हैं उनने और उनकी सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो लोग है ना लिब्रेट करते हैं, तो वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, उनका इक्विवेलेंट वेट्स का. ठीक है, तो इसी को हमें इलैबोरेट करना है, यानी वेट कितना डिपॉजिट हो रहा है, और वो वेट जो भी डिपॉजिट है आपने सपोज करो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो उसमें कुछ सब्सटेंस होगा इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो वेट आपका है, जो वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड वो किसके बराबर होना चाहिए, इस सब्सटेंस का जो भी आपका इक्विवेलेंट वेट होता है. ठीक है, ठीक, ऐसे ही आप दूसरे लेंगे तो उनका भी वही चीज़ रहेगी. तो वही हम उसी पे एक फॉर्मूला उन्होंने इंट्रोड्यूस करा. लेट्स टॉक अबाउट, जैसे सपोज करो वेट ऑफ हमने कोई एक लिया जो एक डिपॉजिट कर रहा है सब्सटेंस, और उसको कंपेयर करा हमने वेट ऑफ कोई दूसरा भी लिया वो डिपॉजिटेड हो रहा है, तो ये लोग किस किस के बराबर हैं. भाई ये वेट जो है इसका ये होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी. ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ. अब इक्विवेलेंट वेट की फॉर्मूला आपको हम न्यूमेरिकल्स में भी देख चुके हैं कि इक्विवेलेंट वेट को आपको कन्वर्ट करना है. अगर याद हो इक्विवेलेंट वेट इज़ इक्वल्स टू एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी. ठीक है, ये होता है. वैसे तो और भी हैं इक्विवेलेंट वेट्स के, लेकिन यहाँ पे हम यही अप्लाई करेंगे. तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, एटॉमिक मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय, ये मैं नीचे लिख देती हूँ. ठीक है, तो ये चीज़ आप वेट ऑफ ए डिपॉजिट अपॉन वेट ऑफ बी डिपॉजिट इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ ए डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ बी. सो दिस इज द फॉर्मूला विच इज़ बीन देयर एंड वी हैव सीन. अब नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द फर्स्ट लॉ, जैसे हमें फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम देखते हैं. ठीक है, यू नो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ई आई अपॉन टी अपॉन 9650. ये हमने अभी पीछे देखा है ना, अभी मैंने बताया था. सो वी कैन यूज़ इट. तो आपने देखा इक्विवेलेंट वेट्स ऑफ एन आयन डिस्चार्ज्ड क्या हो जाएगा आपका, डब्ल्यू अपॉन ई आई 96500. ठीक है, और आई इन टी ये कॉन्स्टेंट के बराबर होता है इफ़ हम कंसिडर करते हैं, तब उस कंडीशन पे ये भी किसके बराबर हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट के बराबर. ठीक है,
क्योंकि भाई टाइम इन लोग का सेम ही चलेगा, दोनों जगह टाइम सेम है और करंट एक ही सप्लाई, यही हमने स्टार्टिंग में देखा है कि भाई करंट आप सेम दोनों जगह सेम सप्लाइड हो रहा है, सेम ही आपका ऑब्टेंड हो रहा है, ठीक है ना, तो सेम है तो उसको कांस्टेंट हम रख लेंगे। और टाइम भाई जब जाहिर सी बात है तो टाइम भी कांस्टेंट रहेगा, यानी थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द थिंग इट विल बी सेम। सो यू कैन ऑल्सो सी इज डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई इज ऑल्सो देयर, तो डब्ल्यू वन अपॉन ई वन इज इक्वल्स टू डब्ल्यू टू अपॉन ई टू इज इक्वल्स टू सो ऑन, नो मैटर्स वॉट दे हैव गिवन यू। तो आपके पास ये इसकी इक्विवेलेंट हो जाएगा और आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी कैन सी द वैल्यूज ऑफ वन फेराडेज, के वन फेराडेज इज इक्वल टू कुछ और पॉइंट्स हम देखते हैं, इज इक्वल टू द चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इसको भी देख लो, तो ये आपका होता है फॉर्मूला, मैं लिख देती हूँ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कभी कभी पूछा जाता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1.6021 इंटू 10^-19 इंटू 6.022 इंटू 10^23 96487 कूलम 96500 जो कि किसके बराबर होगा 1 फेराड। अभी कैलकुलेशन कोई नहीं पूछ रहा है, बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है और आपको रिलेट करना है कि कितनी वैल्यू होती है 1 फेराडेज की। सो 1 फेराडेज इज़ इक्वल टू 96500 कूलम, ठीक है, दिस थिंग यू शुड अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये कर सकते हैं 1 फेराडेज इज़ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट और डिजॉल्व 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। चलना देर इज़ वन मोर कॉन्सेप्ट, चार्ज ऑन एन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज करो आपको कोई कैटायन दिया रखा है, उसने भी वो वापस अगर मेटल में कन्वर्ट करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स लेगा, अभी डिपेंड करेगा ना एन एन यहाँ लिखेंगे क्योंकि आप नहीं जानते कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है, ये मैं थ्योरी लिख देती हूँ लेकिन इतना नहीं आपको समझना है क्योंकि दिस विल बी रिक्वायर्ड द न्यूमेरिकल इन द रिडक्शन ऑफ वन मोल ऑफ एन वैलेंट कैटायन, ठीक है, एन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एन एफ कॉलम्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। तो क्यू भी क्या हो जाएगा आपका एन एफ हो जाएगा, तो यहाँ क्या है चार्ज ऑन एन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब जैसे हमें कोई जहाँ एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जैसे हमें सपोज करो Al प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन्स ये लेगा तब ये Al बनाएगा, यहाँ क्या है वन मोल है ये, ठीक है, ये थ्री मोल बैठा और ये मोल्स के टर्म में वन मोल है। तो अगर क्यू एन एफ अगर आप कर रहे हैं तो एन की वैल्यू आप कितनी लोगे, थ्री लोगे, 96500 तो इट विल बी 289500 कूलम, ठीक है, ये चीज़ आपके पास है। अब आपके पास कुछ और होता है, हम क्योंकि सब कुछ ही देख रहे हैं तो वील फोकस ऑन एवरीथिंग एंड वील फोकस ऑन वन मोर पार्ट, रिलेशनशिप बिटवीन फैराडेज एफ एवोगैड्रोस नंबर एन ए एंड चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ई। सो ये रेयर ऑफ द, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो चांस कम है इस पोर्शन को आने की, लेकिन फिर भी मैं लिखवा दे रही हूँ आपको कि आप इलेक्ट्रॉन्स चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स कितना है, फेराडेस की वैल्यू कितनी है, एवोगैड्रोस नंबर क्या है उस पर। अब आपको सब एग्जैक्टली मालूम है कि एफ की वैल्यू 96500 कूलम होता ही है, ठीक है, एन ए की वैल्यू क्वेश्चन पेपर में चेक कर लेना, स्टैंडर्ड वैल्यू तो यही है लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर में यू हैव टू सी।
सो आप यू कैन ईजली राइट डाउन. सो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 96500. फॉर्मूले पे सब्सटीट्यूट करिए आप, 10^23. ये वैल्यू आएगी 1.6 इंटू 10^-19. ठीक है. सो चार्ज ऑन एन आयन इज गिवन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला. क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन एन आयन, कभी कभी पूछ लेते हैं. सो एन एफ एन ए इज इक्वल्स टू, जैसे एन क्या हो गया आपका, वैलेंसी ऑफ एन आयन. ठीक है. एक और चीज़ होती है कभी कभी तुमसे पूछी जाती है, करंट एफिशिएंसी. ठीक है. तो करंट एफिशिएंसी में फॉर्मूला है, परसेंटेज करंट एफिशिएंसी एक्चुअल करंट अपॉन एमामीटर करंट इनटू 100. ठीक है. इधर यहाँ ऊपर वाले में इनटू 100. तो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्वांटिटी ऑफ चार्ज. सो इट इज़ अ वी इनटू क्यू या वी इनटू आईटी. यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, वी इनटू सॉरी वोल्ट सेकंड और जूल्स. ठीक है. ये सब हैं आपके डिफरेंट फॉर्मूलेज जो पूछे जाते हैं. इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, तो प्लीज़ फोकस ऑन दीज फॉर्मूलेज. बैटरी वाला पोर्शन आपका हट चुका है, तो बैटरी वाला जो पोर्शन होगा कमर्शियल सेल्स और बैटरी, वो आपको बिल्कुल नहीं करना है. ठीक है. यू हैव टू फोकस दिस पार्ट ओनली. वी आर फोकसिंग ऑन द न्यूमेरिकल्स ऑन द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज. द एटॉमिक मास दैट इज ऑफ सोडियम इज 23 एंड दैट ऑफ कैल्शियम इज 40. इफ द सेम क्वान्टिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्व सोल्यूशन ऑफ NaCl एंड CaCl2, द मास ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड, जो वेट उसका दिया रखा है वो 2.3 है. कैल्शियम का आपको निकालना है, साथ में आपको क्वान्टिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास हो रही है वो भी निकालनी है. ठीक है. तो ये चीज़ें थोड़ा आपको ध्यान देना है कि दे आर आस्किंग द वेट ऑफ कैल्शियम, और इन लोग ने आपको वो भी दिया रखा है, एटॉमिक मासेस दिए रखे हैं दोनों के. तो चलिए हम लोग करके देखते हैं. सो इफ़ यू फोकस ऑन एटॉमिक मास ऑफ एनी, दे हैव गिवन यू 23. एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज़ गिवन टू अस इज 40. ठीक है. बट इफ़ यू सी योर, आई एम लीविंग दैट स्पेस, इफ़ यू सी द अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज, फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यू रिमेंबर दैट वेट ऑफ, बिकॉज सोडियम इज गिवन, अब ए और बी नहीं लिख सकते हैं, वेट ऑफ कैल्शियम, और यहाँ था इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम. तो अभी दोनों का इक्विवेलेंट वेट नहीं है, लेकिन हमें पता है कि वी नो हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी. तो इससे आप निकाल सकते हैं. ठीक है. तो आप इसको फिट कर सकते हैं, जैसे आपने सोडियम का देखा, अगर आप Na का देख रहे हैं तो आपको मालूम है 23 डिवाइडेड बाय 1 होता है. कैल्शियम का देखा तो 40 डिवाइडेड बाय 2 होता है. तो इससे आप ये आप आगे और करके ये वैल्यूज़ को हर जगह इक्विवेलेंट वेट आप निकाल सकते हैं. ठीक है. सो यू कैन पुट इट लाइक दिस, वेट ऑफ सोडियम इज़ गिवन टू अस, दैट इज़ 2.3. ठीक है. एंड दिस वी हैव टू कैलकुलेट, एंड दिस वॉज वी हैव जस्ट सीन नाउ दैट वी हैव डन दिस. ठीक. सो 23 अब आपका, सॉरी, वेट ऑफ कैल्शियम विल बी 2.3 इंटू 20 अपॉन 23, विल गेट इट 2 grams. ठीक है. अब देखो 23 grams ऑफ Na जो है वो हम लोगों को रिक्वायर्ड 1 faradays, इज दैट 96500 कोलम. तो देयरफोर आपने 2.3 grams ऑफ Na रिक्वायर्ड कितना करेगा, 96500 इंटू 2.3 डिवाइडेड बाई 23. सो विल गेट इट 9650 कोलम. ठीक है. तो दिस वे यू कैन इजली कैलकुलेट.
Now class we'll focus on this numerical and element A atomic mass 112 and element B atomic mass is 27 forms a chloride. The solution of these chlorides are electrolyzed separately. It is found that when same quantity of electricity is passed, 5.6 grams of A was deposited while only 0.9 grams of B was deposited. What is the ratio of the valencies of these two elements? Now first of all, our duty is we have to check it out what things are given to us and what is the formula is been there, right? So if you focus on the this thing answers, just see weight of A is given to us, that is 0.5 grams. Weight of B is given to us, 0.9 grams. Atomic mass of A is given to us 112. Atomic mass of B is given to us, that is 27. ठीक है, ये हमें given है. Now the point is that they have not given us the valencies of any of these two. तो जैसे अगर हम अपना Faraday's के हिसाब से अगर हम relationship देखते हैं अपने, चलो relationship देखें, relationship between equivalent weight and valency, ठीक है? तो अगर हमने Faraday's के second law पढ़ा था तो उसके हिसाब से भी हम देखेंगे और वैसे ही equivalent weight का भी formula देखेंगे. Equivalent weight is equals to atomic mass upon valency, ये है हमारे पास, ठीक है? और Faraday's का अगर आप relationship देखें तो weight of A upon weight of B is equals to equivalent weight of A upon equivalent weight of B. ये था हमारा second law of Faraday's के हिसाब से. तो आप इसको चेंज कर सकते हो, कैसे लिख सकते हो, weight of A upon weight of B is equals to क्या हो जाएगा, atomic mass of A divided by valency A, या atomic mass of B divided by valency of B. So you can easily put the values over here and you can depute it. This is 0.5 upon 0.9, ये हमारा हो जाएगा 112 divided by this, और ये आपका 27 divided by, ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है? अब इसको हम sort out कर लें. तो अगर आप numericals को solve करेंगे, 112 into VB VA into 27 is equals to 56 upon 9 और BA upon VB, ठीक है? 112 into 9 upon 56 into 27 is 2 by 3, ठीक है? तो आपका VA is to VB आपका 2 is to 3 आपका. I think few of the numericals we have discussed and other numericals please try to practice. I have covered these two numericals in the second law of Faraday's. You practice other numericals also. I'll give you one numerical and you can do it. If you have any doubts then you can ask me. Now children, please do this numerical by your own. If you have any doubts then you can ask me. Okay, it's your homework. You have to do it and please do it in your classwork copy of chemistry.